नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है अजबपुर खुर्द का, जहां पर मतदान चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर सुबह जैसे ही अलसुबह हुआ है तो लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा है धर्मपुर, वहाँ पर की ये तस्वीर है। और जैसे जैसे दिन निकला लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट कास्ट करने आए हैं। हम जानेंगे सर, इस बार किन मुद्दों पर पहाड़ का मतदाता वोट कास्ट कर रहा है? अपना पहाड़ का राष्ट्रीय मुद्दे पे चल रहा है, तो राष्ट्रीय मुद्दे पे चल रहा है। एक महिला है जा रही है वोट डाल के। मैडम, किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रही है महिलाएं पहाड़ की? क्या आपके मुद्दे क्या थे, क्या प्राथमिकता? अब क्या वोट डाल दिया? हाँ जी। और लोगों से क्या अपील करेंगे, उन महिलाओं से जो घर में बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वोट देने आना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। और उन बहुओं को भी अपील करिए, चूंकि आप माँ हैं, ठीक भी आने चाहिए, सब आने चाहिए वोट देने। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए तस्वीर है मतदाताओं की जो सुबह से निकले हैं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हैं। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं इस बार के वोट कास्ट को लेकर। आप लोगों के क्या, किन मुद्दों पर इस बार पहाड़ का युवा वोट कर रहा है, किन मुद्दे पर, क्या कहना चाहेंगे? देश का विकास, देश का विकास। और युवाओं की अगर रोजगार की बात करें, वो मुद्दे भी हावी हैं? वो भी हैं, पर सबसे पहले देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, देश रहेगा तभी हम रहेंगे, देश का विकास जो है सबसे अहम मुद्दा है। आपको बता दें, आज जो सबसे बड़ी बात यही है कि आज मौसम ने भी गनीमत की है। जो मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जो हवाएं चलती रहेंगी और ये खुशनुमा माहौल रहेगा, तो वोटर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है। शेष उत्तराखंड भी लगातार पहाड़ के सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान की जो परिपाटी है उसको पूरा करें। हम दिखाना चाहेंगे दीदी के कि किस तरीके से बुज़ुर्ग लोग भी आ रहे हैं और घरों से निकल के अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वोट डालने आप आए हैं। नमस्कार। किस मुद्दे पर इस बार वोट होगा? हाँ जी, क्या मुद्दा रहेगा वोट में? मुद्दा क्या रहना, हम तो बूढ़े आदमी हैं, जाने वाले हैं। अरे सर, देश के विकास की बात, देश के विकास की बात तो होगी। पापा हैं, 90 साल के हैं मेरे पापा और 85 साल की मेरी मदर। बहुत देखिए इनके जज्बे को, श्रेष्ठ उत्तराखंड भी सलाम करता है। 90 वर्षीय हैं और घर से निकले हैं वोट डालने के लिए। आप लोग भी इनसे सीख ले सकते हैं, जो लोग अभी भी अपने घरों में हैं, निकलिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व, बार बार मौका नहीं आता है। ये माता जी भी हैं, माता जी लोगों से की मदर है और 90 साल के पापा हैं। आप, अच्छा आप भी महिला हैं? जी जी। किस मुद्दे पर इस बार पहाड़ की महिला वोट कर रही है? पहाड़ की महिला तो बिल्कुल जोर शोर से वोट कर रही है, सभी अच्छे उससे आएंगे। हमें जो है मोदी जी को लाना है, महिलाओं का, बच्चों का विकास हो, किसका विकास हो, महिलाओं का, बच्चों का, आगे रोजगार हो। जहाँ पे लगता है कि हमें जो है एक चिकित्सा, हर चीज का जो है मोदी जी महिलाओं के लिए क्या नहीं कर रहे, हर चीज कर रहे हैं, गैस से लेकर बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरी उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, पूरा देश का विकास हो रहा है। क्या कह रहे हैं? सारे देश का ही विकास हो रहा है मोदी जी की सरकार में। ठीक है, विकास की बात है तो जो कुल मिलाकर हम जनता नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। देख रहे हैं आप किस तरीके से जोश है, उत्साह है मतदाताओं के अंदर। और स्पष्ट रूप से जो मुद्दों की अगर बात करें, जो अभी शुरुआती जो इनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि विकास, डेवलपमेंट, देश का विकास। तो विकास वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर इस लोकतंत्र के महापर्व पे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।